श्रद्धा मर्डर केस से बड़ा अपडेट आ रहा है, वो आपके सामने पहले रख देते हैं। अभी तक पुलिस को जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो शरीर के पिछले हिस्से की हैं। इस वक्त की श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर, अभी तक जंगल से जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो शरीर के पिछले हिस्से की हैं। अभी तक कुल मिलाकर 10 बॉडी पार्ट्स मिले हैं, हड्डियां शरीर के पिछले हिस्से की हैं। सूत्रों ने ये खबर दी है और ये भी बताया है कि जो हड्डियां हैं वो 10 अलग अलग बॉडी पार्ट्स की हैं। जो सूत्रों के मुताबिक एबीपी न्यूज़ को जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से का एक बड़ा हिस्सा मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई, अभी तक जो पुलिस को हड्डियां मिली हैं उसमें शरीर के अलग अलग 10 हिस्से मिले हैं। शरीर के पिछले हिस्से के पार्ट ही अभी तक पुलिस को बरामद हुए हैं। वरुण जैन हमारे साथ इस बड़ी खबर पर, बड़ी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वरुण, जो हड्डियां मिल रही थी अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि वो मानवीय शरीर की ही हड्डियां हैं? नहीं नहीं देखिए विकास, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जो हड्डियां बरामद हो रही है ये इंसानी इंसान की हड्डियां है या जानवरों की हड्डियां। कुछ हड्डियां इस तरीके की हैं जिसमें जो हिप्स का जो हिस्सा है, इधर की जो हड्डियां हैं वो है, तो कहीं ना कहीं पुलिस मानकर चल रही है कि वो इंसानी हड्डी होगी। अब इन हड्डी उन हड्डियों की जब ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी, जिन जो जो किसी ह्यूमन बींग की हड्डी होगी उनका जो DNA मैच है, वो श्रद्धा के परिवार यानी उनके पिता का जो DNA है उससे मैच कराया जाएगा, उसके बाद ही जो जांच है वो आगे बढ़ पाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है कि जो शरीर के जो बाकी पार्ट्स है वो भी बरामद कर सके। स्कल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अगर स्कल मिल जाता है तो डिजिटल सुपर इम्पोजिशन एक टेक्निक होती है, उसके जरिए कुछ ही मिनटों में या कहें कि कुछ ही घंटों के अंदर ये पता चल जाएगा कि जो स्कल बरामद हुआ है वो श्रद्धा का है या नहीं है। इसी के चलते पूरे जंगल के अलग अलग कोनों में अलग अलग टीमें जो है वो खाक छान रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट्स है, बॉडी के पार्ट्स हैं वो बरामद हो सके, क्योंकि आने वाले समय में वही इस पूरे हत्याकांड में एक एविडेंस होगा। जी क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP News आपको रखे आगे।